नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और देख रहे हैं टेकमैन सुरेश चैनल। आज हम बात करेंगे महिंद्रा अल्फा प्लस BS-6 2020 मॉडल के बारे में, जो कि अभी सभी शोरूम में अवेलेबल हो चुका है। इस वीडियो में आप लोग को इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, फाइनेंस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, पेलोड कैपेसिटी और कुछ हाईलाइट्स पॉइंट के बारे में बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो फिर चलो दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक शोरूम प्राइस से। महिंद्रा अल्फा प्लस का भी एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 2,93,000 रुपीज से और इसके अप्रोक्सीमेट ऑन रोड प्राइस से 3,20,000 रुपीज। यदि आप इसे फाइनेंस में खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको लगभग 70,000 रुपये देना पड़ेगा। फ्रंट प्रोफाइल में आपको BS-6 का स्टिकरिंग ग्राफिक्स मिलता है। फ्रंट में आपको वही महिंद्रा का सिग्नेचर लोगो क्रोम फिनिश में देखने को मिलेगा। लाइट्स में भी आपको वही नॉर्मल हेलोजन टाइप हेडलैम्प, उसके साइड में मल्टीफंक्शनल टर्न इंडिकेटर्स और फ्रंट में आपको ब्लैक कलर का मफलर देखने को मिलता है। टायर्स में इसमें आपको 10 इंच का टायर मिलता है 8-ply रेटिंग के साथ। सस्पेंशन में फ्रंट में लगा है कॉयल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक और पीछे रबर कंप्रेशन हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और इसका व्हील बेस है 2005 mm और पीछे भी दोस्तों आपको वही 10 इंच का टायर मिलता है 8-ply रेटिंग के साथ। पर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यू शेप में इसका मड फ्लैप। इसके पीछे लगा गया है इसका फ्यूल टैंक, जिसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10.5 liters। चलिए देखते हैं इसका रियर। पीछे आपको महिंद्रा का बैजी मिलता है और लाइट्स को भी दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें आपको वही नॉर्मल स्टैंडर्ड टेल लाइट्स मिलेगा। उसके नीचे आपको स्पेस मिलता है नंबर प्लेट लगाने के लिए और सेंटर में आपको देखने को मिलता है इसका इंजन। इसमें लगा गया है ग्रेव्स का सिंगल सिलेंडर EDI G599 वाटर कूल्ड BS-6 डीजल इंजन, जिसका इंजन डिस्प्लेसमेंट है 599 cc, जो कि मैक्सिमम 9.4 hp का पावर 3600 rpm तक और 23.5 Nm का टॉर्क 2200 rpm तक प्रोड्यूस करता है। कंपनी अभी इसका माइलेज क्लेम करता है 29.4 km/L। लोडिंग कैपेसिटी की बात करें, अभी इसका ग्रॉस बे किलो वेट है 1045 kg, कार वेट है 573 kg, पेलोड कैपेसिटी है 472 kg। कार्गो बॉडी डायमेंशन की बात करें, इसका कार्गो बॉडी का लंबाई है 5 ft 6 in, चौड़ाई है 4 ft 8 in और हाइट है 1 ft। इसका कार्गो बॉडी का लंबाई थोड़ा बड़ा होने के कारण आप इसमें इजीली 472 kg तो पेलोड ले सकते हैं। इसका और एक हाईलाइट पॉइंट है, नॉर्मली थ्री व्हीलर सेगमेंट की गाड़ियों में सामान लोड करते समय आपको कार्गो बॉक्स को पीछे से खोलना पड़ता है, मगर इसमें आप चाहे तो इसे थ्री साइड में खोल सकते हैं। फिर उसमें सामान लोड करने के बाद आप इसे इजीली बंद भी कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इस गाड़ी में आपको 3 years का वारंटी मिलता है 1,00,000 km तक। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका साइड प्रोफाइल। साइड में आपको अल्फा प्लस का स्टिकरिंग ग्राफिक्स देखने को मिलता है और सही वेंटिलेशन लेवल रखने के लिए आपको इसमें मिलता है ट्री एंगल शेप में इसका साइड विंडोज। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका इंटीरियर। तो डोर को ओपन करने के लिए सबसे पहले इसे पुश करना पड़ता है, फिर इसका डोर इजीली ओपन हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं इसका स्पेयर टायर, जो कि सीट के नीचे आपको देखने को मिलेगा और इसका सीट आपको सिंगल कलर में देखने को मिलता है। इसका सीट बहुत ही वाइड है और लॉन्ग जर्नी के लिए इसमें आपको बैक सीट भी दिया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका स्पेस एंड कंफर्टेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं बैठने के बाद भी मुझे सफिशियंट स्पेस इसमें मिल रहा है, तो गाड़ी चलाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। नीचे आपको स्पेस मिलता है, आप चाहे तो यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी लगा सकते हैं और इस साइड में आप चाहे तो म्यूजिक सिस्टम भी लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको स्पेस मिलता है। और यह है दोस्तों इसका लॉकेबल ग्लोव बॉक्स, आप अपने जरूरी सामान को इसमें रख कर इसे इजीली लॉक भी कर सकते हैं। दोनों साइड में आपको मिलता है इसका स्पीकर्स। महिंद्रा अल्फा प्लस का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको महिंद्रा सुप्रो जैसा ही देखने को मिलेगा, जिसमें नीचे आपको महिंद्रा का बैजिंग, बीच में महिंद्रा का लोगो, लेफ्ट साइड में फ्यूल गज, बीच में स्पीडोमीटर, राइट साइड में आरपीएम मीटर और बीच में आपको ट्रिप मीटर जैसे फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाता है। और दोस्तों इसमें मोबाइल रखने के लिए भी आपको स्पेस मिलता है इस साइड में और इसका जो लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है इसका वाइपर और लाइटिंग कंट्रोल्स और सामान रखने के लिए आपको यहाँ पर भी एक स्पेस भी देखने को मिलेगा। इसका ट्रांसमिशन है 5 speed, मगर महिंद्रा ऑफिशियल वेबसाइट में इसका ट्रांसमिशन लिखा गया है 4 speed। मैं दोस्तों आपको जूम करके भी दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें आपको 5 speed गियरबॉक्स मिलता है, 5 forward और 1 reverse गियर। और आप इसका स्टेयरिंग हैंडल को देख सकते हैं, बीच में आपको महिंद्रा का लोगो भी देखने को मिलता है। स्विच एंड कंट्रोल्स में यहाँ पर आपको येलो कलर में वो है इसका हॉर्न, उसके ऊपर टर्न इंडिकेटर और साइड में वो है इसका लाइट एंड कंट्रोल्स। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसका इग्निशन की और लाइट्स भी दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा इसका रीडिंग लाइट्स, आप इसे इजीली ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। और दोस्तों आपको इसका फ्रंट विजन ऐसे देखने को मिलता है। इसका जो टॉप स्पीड है
वो है 54 किलोमीटर पर आवर। बेहतर दोस्तों, महिंद्रा अल्फा प्लस का डिटेल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाड़ी के रिलेटेड यदि आप लोग का कोई सुझाव है या फिर कुछ रिक्वेस्ट है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।